मंगल मैत्री स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ग्रामर प्रपोजिशन. ओके, आज हम ग्रामर का प्रपोजिशन टॉपिक डिस्कस करेंगे. हेयर वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ प्रपोजिशन. इन फ्रंट ऑफ यानी किसी के सामने खड़ा होना, बिहाइंड यानी किसी चीज़ के पीछे, अप ऊपर की तरफ, डाउन नीचे की साइड, अंडर किसी चीज़ के अंडर यानी जैसे ट्री के नीचे या टेबल के नीचे, ठीक है. बिटवीन, बिटवीन मतलब जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसको बिटवीन प्रपोजिशन लगती है वहाँ पर. इन यानी जैसे कप के अंदर, रूम के अंदर, एंड ऑन किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज अंडरलाइन द प्रपोजिशन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं, आपको इसमें अंडरलाइन करना है कि प्रपोजिशन कौन सी है. फर्स्ट वन इज द डस्टबिन इज अंडर द टेबल. डस्टबिन जो है वो पेड़ के नीचे है, तो बताइए इसके अंदर प्रपोजिशन क्या होगी, अंडर. ओके, द डॉग इज इन द रूम. डॉग रूम के अंदर है तो प्रपोजिशन इज इन. द नोटबुक इज ऑन द टेबल. बुक जो है, नोटबुक जो है वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन हमारी प्रपोजिशन रहेगी. देयर आर मैनी एनिमल्स अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे बहुत सारे एनिमल्स हैं. रोहन इज सिटिंग विद हिज पेरेंट्स. रोहन अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है, तो विद. हिज बॉल फेल इन टू द वेल. बॉल कहाँ गिर गई है, कुएं में गिर गई है, तो इन टू, ठीक है. तो ये प्रपोजिशन है जो आपको इसमें अंडरलाइन करना है. कुछ एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 39 एंड 40 पर भी है फ्रॉम इन योर ग्रामर बुक. ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी ग्रामर बुक में 39 और 40 पेज पर जितनी भी एक्सरसाइज है उनको रिवाइज करना है. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.